नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समंदर के बीच एनकाउंटर का ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो उन स्मगलर्स का है जो रात के अंधेरे में उफनते समंदर के बीच छोटी छोटी बोट्स में खतरनाक ड्रग्स भरकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो दिखाता है कैसे बड़े बड़े जहाजों में लाखों टन माल के बीच बड़े बड़े कंटेनर्स में सैकड़ों किलो हेरोइन छोटे छोटे पैकेट्स में छुपा कर रखी जाती है। यह वीडियो दिखाता है कैसे कोस्ट गार्ड के जांबाज जवान समंदर की तूफानी लहरों के बीच ड्रग्स के तस्करों को पकड़ते हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इस साल 50,000 किलो से ज्यादा हेरोइन, अफीम, ब्राउन शुगर, मेथा एम्फेटामाइन, इस तरह की कर ड्रग्स भारत में भेजी गई। हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने का खतरनाक खेल सरहद के पास से कैसे खेला जाता है, इसका एक और सबूत भी आज मेरे पास है। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप है। यह ऑडियो क्लिप बताता है कि अब पाकिस्तानी स्मगलर्स के लिए समंदर के रास्ते ड्रग्स भेजना कितना मुश्किल हो गया है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये ड्रग सप्लायर पाकिस्तान में बैठे अपने बॉस को बता रहा है कि अब समंदर के रास्ते इंडिया में ड्रग्स भेजने की कोशिश का मतलब है सुसाइड। इस ऑडियो में ड्रग बैडर यह बता रहा है कि आजकल समंदर में ऐसी नाकेबंदी है कि बड़े बड़े दिलेर भी अपनी बोट लेकर हिंदुस्तान की तरफ जाने को तैयार नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 3 साल में हमारी एजेंसीज ने कितनी भारी तादाद में ड्रग्स को पकड़ा और इतनी बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स पकड़ी गई उसका क्या हुआ। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ज्यादातर ड्रग्स गुजरात के बॉर्डर पर, गुजरात के पोर्ट्स पर ही क्यों पकड़े जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं ड्रग्स की तस्करी करने वालों का और सिक्योरिटी फोर्सेस के लाइव एनकाउंटर का वीडियो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे पास हैं। ये तस्वीरें कच्छ के पास समंदर में भारत पाकिस्तान की सीमा की। समंदर के बीच ड्रग तस्करी करने वालों को पकड़ने के ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें हैं। पाकिस्तान से हराए ड्रग स्मगलर्स की बोट को गुजरात ईटीएस की टीम और कोस्ट गार्ड ने ट्रेस कर लिया। समुद्र में ड्रग तस्करों को घेर लिया गया है। वो कोस्ट गार्ड के शिप की सर्चलाइट की जद में है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि स्मगलर्स के जहाज की तरफ फ्लेयर्स फेंके गए हैं। ये फ्लेयर्स समुद्र में जहाजों को, लॉन्च को, बोट को लोकेट करने के लिए फेंकी जाती है जिससे उनको फॉलो किया जा सके। फ्लेयर्स फेंकने के साथ ही कोस्ट गार्ड और एटीएस की टीम ने स्मगलर्स को सरेंडर की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। यह ऑपरेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन यानी समुद्र में भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब चल रहा है। समुद्र में किसी भी देश की सीमा का खास तौर पर रात के वक्त अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। अक्सर होता ही है कि कोस्ट गार्ड के ललकारने पर क्रिमिनल्स अपनी बोट या लॉन्च लेकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें पता होता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड या एटीएस की टीम उनका पीछा करते हुए दूसरे देश की समुद्री सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगी। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोस्ट गार्ड और एटीएस की टीमों ने ड्रग तस्करों की बोट को आइडेंटिफाई कर लिया है, वार्निंग फ्लेयर रिलीज कर दिए हैं और अब उन्हें सरेंडर करने को कहा जा रहा है।
ड्रग तस्करों की जो बोटियां दिख रही है उसका नाम है अल हज। ये पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ बढ़ रही थी, तभी सर्विलांस की मदद से इसे ट्रेस कर लिया गया। जब इस बोट पर सवार लोगों को सरेंडर करने को कहा गया तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, बोट से बाहर डेक पर नहीं आए, उल्टा बोट को लेकर वापस पाकिस्तान की सरहद की तरफ भागने की कोशिश करने लगे। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने उन्हें एक बार फिर वार्निंग दी, सरेंडर करने को कहा। जब बार बार चेतावनी देने के बाद भी और सरेंडर करने के लिए कहने के बाद भी ड्रग्स के तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे तो कोस्ट गार्ड के शिप ने उन्हें खदेड़ा। सरेंडर की चेतावनी के साथ ही भागते हुए तस्करों को पकड़ने के लिए फायरिंग भी शुरू हो गई। गुजरात एटीएस की टीम इन तस्करों को लगातार सरेंडर करने के लिए कह रही थी, उनकी बोट पर फायरिंग कर रही थी जिससे वो भारत की समुद्री सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ भागने ना पाए। हाथ ऊपर करके आगे, बाल खड़े रह जाए, हाथ ऊपर करो, आगे आ जाओ, आगे। चलो स्टॉप, बोड़ी गई, बोड़ी बोड़ी काटी, बोड़ी बोड़ी। आगे 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 सारे लोग ऊपर आ जाओ। अरे भाई बोर्डिंग पार्टी एंड बोट लोडिंग पार्टी, बोट एक्ट। सर्च लाइट, सर्च लाइट। सारे लोग बाहर आ जाओ, बाहर खड़े करके सामने खड़े रह जाओ। सारे खड़े आ जाओ, सारे खड़े आ जाओ। सारे बाहर खड़े आ जाओ, सारे बाहर आ जाओ। लगातार फायरिंग और वार्निंग के कारण ड्रग्स स्मगलर्स को समझ आ गया कि वो भाग नहीं पाएंगे, इसलिए आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया। बोट से 56 किलोग्राम हेरोइन के साथ 9 पाकिस्तानी तस्कर पकड़े गए। इस बोट से पकड़ी गई हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कुल कीमत करीब 280 करोड़ रुपए है। ये गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की बड़ी कामयाबी थी। जिस बोट में ड्रग तस्करी की जा रही थी उसे मैरीटाइम लैंग्वेज में लॉन्च कहते हैं। इस लॉन्च में पाइप लदे हुए थे, ड्रग्स को पाइप के भीतर छुपाकर रखा गया था जिससे ऊपरी तौर पर देखने पर पता ही न चले कि पाइप के भीतर ड्रग्स भी हो सकती हैं। इस ऑपरेशन दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें पाकिस्तान के बड़े ड्रग तस्कर हाजी हसन का बेटा और उसका दामाद भी शामिल था। असल में पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते ड्रग तस्करी रोकने के लिए गुजरात एटीएस, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और कोस्ट गार्ड ने जबरदस्त निगरानी बढ़ा रखी है। इसकी वजह से पहले तस्करी करने वाले लोगों ने ड्रग्स की खेप गुजरात पहुंचाने से मना कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के ड्रग माफिया हाजी हसन की को ड्रग्स की खेप पहुंचाने के लिए अपने बेटे और दामाद को भेजना पड़ा, लेकिन वो भी गिरफ्तार होकर अब सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए पाकिस्तान के तस्करों से पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान से भेजी गई इस ड्रग का रिसीवर तो दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली से ड्रग्स को पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सप्लाई किया जा रहा था। इस जानकारी को गुजरात एटीएस ने एनसीबी के साथ शेयर किया, जिसके बाद दिल्ली के जामिया नगर
और शाहीन बाग में छापे मारे गए। इसके अलावा यूपी के मुजफ्फरनगर में भी रेड की गई। इन सभी जगहों से 351 किलोग्राम हेरोइन और बरामद हुई। ड्रग की इतनी भारी तादाद के साथ भारत में ड्रग माफिया रजी हैदर, इमरान और अवतार सिंह उस सन्नी को पकड़ा गया। इनसे मिली जानकारी के बाद वाघा अटारी बॉर्डर से भी 100 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। इस पूरे ड्रग रैकेट की जांच अभी चल रही है। अभी कुछ आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक की जांच में पता चला कि अफगानिस्तान से हीरोइन को ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजा जा रहा था। गुजरात से इस हीरोइन को दिल्ली लाकर डाइल्यूट किया जाता था, यानी इसकी डोज को हल्का किया जाता था। इस काम के लिए ड्रग माफिया ने एक अफगानी नागरिक को भी दिल्ली में खास तौर पर तैनात किया हुआ था, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन हासिल की है। निर्णय ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में पूरी पड़ताल की। निर्णय ने इन ऑपरेशन से जुड़े अफसरों से बात की, तमाम केसेस में बरामद ड्रग्स की जानकारी हासिल की, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में पूछा, ड्रग कैसे पकड़ी गई और उन ड्रग्स का क्या हुआ, अब तक कुल कितनी ड्रग्स पकड़ी गई, ये सारे सवाल अफसरों से पूछे। गुजरात एटीएस के डीआईजी दीपन भद्रन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में 65 ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ा गया है। ये ड्रग्स को अलग अलग तरीकों से भारत में पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन एजेंसीज की चौकसी की वजह से ज्यादातर ड्रग्स पकड़े गए। हमने दो तरीके का मॉडस ऑपरेंडी आज तक देखा हुआ है कि जिसमें फिशरमैन और स्मगलर्स को छोटे बोट्स को यूज करके हेरोइन लाने का कोशिश होता है, दूसरा कंटेनर्स को यूज करके भारत के अंदर ड्रग्स लाने का, हेरोइन खास करके हेरोइन लाने का इंटरनेशनल ड्रग माफिया का परिश्रम होता है और उनका कोशिशें रहता है। हमारा जो 2021 और 22 का जो केसेस के अंदर हमने तकरीबन 65 के आसपास आरोपियों को पकड़ा है और 65 जो आरोपी पकड़ा है उसके अंदर 30 जितना आरोपी पाकिस्तान का है, 8 ईरानियन नेशनल्स पकड़ा है और नाइजीरियन नेशनल्स भी हमने पकड़ा है। ये केसेस के अंदर हमने ये देखा है कि मतलब दोनों तरीके से भारत के अंदर जिस जगह पे एंट्री का पॉइंट जो है वो कोस्टल रूट हो या कंटेनर टर्मिनल्स और पोर्ट्स को यूज़ करके लाने का इनका प्रयत्न रहता है, इनका जो षड्यंत्र रहता है, दोनों षड्यंत्र का मूल तक जाके मतलब कि जिस एंट्री पॉइंट है उसी जगह पे गुजरात एटीएस और गुजरात एटीएस के साथ मिलके सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलके हमने इसको इस षड्यंत्र और इस कोशिशों को हमने नाकामयाब रखा। भारत सरकार इस वक्त ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चला रही है। ड्रग्स की तस्करी को रोकना जिम्मेदारी है होम मिनिस्ट्री की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि भारत में ड्रग्स की जो तस्करी होती है उसका 81% समंदर के जरिए आता है, लेकिन सरकार अब ड्रग तस्करी के तमाम रास्तों को सील कर रही है। ट्रैफिकिंग करने वालों को पकड़ा जा रहा है। समुद्री मार्ग से तस्करी रोकना एक बहुत महत्वपूर्ण, भारत सरकार की एजेंसियों ने कोस्ट गार्ड के साथ और समुद्री तट पर बसे राज्यों के साथ मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में लगभग विगत एक साल में वैल्यू की दृष्टि से, कीमत की दृष्टि से जितना भी ड्रग पकड़ा गया इसका 81% ड्रग समुद्री मार्ग से पकड़ा गया। मैं आपको इसलिए बताता कि एक रास्ता हम बंद करते हैं और आश्वस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना पड़ेगा वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। तो समुद्री मार्ग से तस्करी, जैसे ये 5 राज्यों के यहां ये समस्या नहीं है और राज्यों के, तो मैं इसलिए इसको इंगित करना चाहता हूं कि भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के चौराहे पर, हमारी समुद्री सीमा से न लंका जाने देना है, न पूर्व के देशों में जाने, न भारत में आने। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारत की सरजमीन ना ड्रग बनाने देगी, ना ड्रग को आने देगी, ना ड्रग को यहां से बाहर जाने देगी। भारत का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग। ये दुनिया की लड़ाई है जो भारत में। अमित शाह की बात सही है कि ड्रग्स की ज्यादातर तस्करी समंदर के रास्ते होती है। असल में पाकिस्तान से ही ज्यादातर ड्रग्स भारत में आती हैं।
और इसके दो रास्ते हैं, या तो समंदर के रास्ते आए या फिर राजस्थान या पंजाब बॉर्डर से आए। बांग्लादेश से भी ड्रग्स की तस्करी होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स हो या ईरान से, ये सब पाकिस्तान के रास्ते आती हैं। क्योंकि कराची से कच्छ तक समुद्री रास्ता छोटा है, इसलिए आतंकवादी हो या ड्रग ट्रैफिक हो, ये इसी रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुजरात में ड्रग्स के पकड़े जाने के केस सबसे ज्यादा आते हैं। और हमारी एजेंसीज ड्रग ट्रैफिकर्स को कितनी मशक्कत के बाद पकड़ती हैं, ये मैंने आपको दिखाया। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की जांबाजी का असर दिखाई दे रहा है और हमारी एजेंसीज को इसके सबूत मिल रहे हैं। पिछले दो साल में गुजरात एटीएस के एंटी नारकोटिक्स अभियान में पाकिस्तान के 30, ईरान के 17, अफगानिस्तान के 2 और नाइजीरिया का 1 ड्रग तस्कर पकड़ा गया है। 6 महीनों के दौरान ही अलग अलग क्वालिटी की 25,700 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स जब्त की गई हैं। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। अब हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान में बैठे ड्रग स्मगलर्स समुद्र के रास्ते ड्रग की सप्लाई से तौबा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जो कॉल रिकॉर्ड्स करती है, उनमें एक ड्रग सप्लायर अपने आका से कह रहा है कि अब समंदर के रास्ते इंडिया की तरफ जाना खुदकुशी करने जैसा है, उसके आदमी अब वहां जाने को तैयार नहीं है, कोई दूसरा रास्ता खोजो। निर्णय कपूर ने यह ऑडियो क्लिप भी भेजा है। ड्रग माफिया के बीच की बातचीत आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सलाम अलैकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में? क्या हाल है वाले? देखो हाशिम भाई, बात यह है कि मेरी तकरीबन 1-2 घंटे मीटिंग हुई है, उस नाखुदा को भी बुला लिया, अपने वालों को भी बुला लिया, सबको। कोई नाखुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है, 400 मील पर, ठीक है ना? ये इसका सबसे बड़ा मेन गेट है, और कौन यहाँ बोला जाएगा 15 पे घूम रहा है? ये तो 20 है ना, वो बोल रहे हैं 14 और 15 में भी घूम रहा है तकरीबन। ये इसका राउंड ही आजकल यहीं लग रहा है, वो ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस काम को हाथ में मत लो, क्योंकि यहाँ से नहीं हो सकता है बिल्कुल। यहाँ से कोई भी बंदा अगर कोई ईरानी गाड़ी निकाल दे तो मुझे नहीं लगता है कि वो गाड़ी कामयाब हो गई, या बंदे अल्लाह ना करे पकड़े जाएं, या माल के साथ। फिर वही बड़ा परेशानी वाला मसला है। बात यह है कि मेरी 2 दिन मीटिंग होने के बावजूद दिलेर से दिलेर नाखुदा भी मैंने पकड़े हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो कर लो। तो उन लोगों ने बोला ये अभी ईरानी लांचों के बस की बात नहीं है, ठीक है ना? आपने सुना, ये स्मगलर बार बार नाखुदा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। नाखुदा का मतलब होता है कैप्टन ऑफ द शिप, बोट का नाविक। यानी ये स्मगलर कह रहा है कि कोई कैप्टन बोट पर ड्रग ले जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये स्मगलर समुद्र के रास्ते गुजरात में ड्रग पहुंचाने से इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि जो भी ड्रग लेकर भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होता है उसका पकड़ा जाना तय है। उसने तो ड्रग मंगाने वाले से यह तक कह दिया कि वो फिलहाल ड्रग तस्करी का यह धंधा छोड़ दे, क्योंकि छोटी छोटी बोट्स तो छोड़िए, बड़े बड़े कंटेनर शिप भी पूरी तरह निगरानी में आ जाते हैं। बड़ी शिप की पूरी चेकिंग हो रही है, इसलिए अब समंदर का रास्ता ड्रग्स के धंधे के लिए सुरक्षित नहीं बचा। वो जितने भी हो सकता है आपको तो पता है खुद भी, और ये जामनगर और राजकोट पोरबंदर ये 200 मील दूर हैं, ज़्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर हैं। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, यानी इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है, बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना? ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। बोला पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, लॉन्च, लोग, माल पहुंचेगा तो किसी को मिलेगा तो पैसे मिलेंगे ना, लोग बचेंगे तो ये काम करेंगे। तो ये हालात हैं, बाकी आप तो खुद समझदार हो, जानते हो सब चीज़ों से, थोड़ा बहुत वाकुफ हो इस इलाके के बारे में। वो हमारे ईरान की जो लॉन्च है ना, बड़ी ख़तरनाक हो गई है जी। सिर्फ एक रूट जो है वो ही उनके लिए बचा हुआ है, वो भी बच के निकलना उनका, ये रूट तो नामुमकिन है भाई को बता दो, ठीक है ना?
हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ये काम को इस हिसाब से छोड़ दे, लॉन्च के हिसाब से। अगर दूसरा उसके पास, अगर ईरान से शिप भी निकलेगा ना, वो भी उसके रेंज में आता है। इतना सा खतरनाक हो गया है। इंटरसेप्ट की गई इस कॉल से ये बात तो साफ है कि आजकल ड्रग्स के खिलाफ अभियान से इस काले कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत है, एक्शन हो रहा है, ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठाया जाता है कि गुजरात से ही सबसे ज्यादा ड्रग क्यों पकड़ी जाती है? क्या गुजरात ड्रग माफिया का फेवरेट डेस्टिनेशन है? निर्णय कपूर ने यह सवाल गुजरात एटीएस के चीफ दीपन भद्रन से पूछा। दीपन ने जो कारण बताया वो कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि गुजरात की समुद्री सीमा पाकिस्तान के करीब है, तस्करों को गश्त लगाने वाले जहाज दूर से दिख जाते हैं, स्मगलर्स के लिए अपनी बोट लेकर पाकिस्तान की सीमा में भाग जाना आसान हो जाता है, पाकिस्तान और ईरान के पोर्ट भी यहां से बहुत दूर नहीं है, इसलिए ड्रग तस्करों के लिए समुद्री रूट सबसे फेवरेट होता है। इसीलिए गुजरात में ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने के केस भी सबसे ज्यादा होते हैं। एक मेन रीजन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लैंड बॉर्डर जो है, कि खास करके जो पंजाब एरिया और पंजाब और उस एरिया का, राजस्थान एरिया का जो पूरा बॉर्डर है उसको पूरा फेंस किया हुआ है, और बीएसएफ और बाकी केंद्रीय अर्ध सैनिक जो दल है उनका पेट्रोलिंग और उनका जो एरिया और ऑपरेशंस बहुत ही इंटेंसिफाई किया हुआ है। इसी कारण के वजह से ये लोग दूसरा रूट जिसके अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग्स एक साथ ला सकते हैं, उसी रूट के लिए ये लोग ट्राई करते हैं। और भारतीय दरिया सीमा जो है वो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक रहता है, जिसके अंदर तकरीबन 1600 किलोमीटर का दरियाई सीमा गुजरात का ही है, और सबसे नज़दीक कोस्टल बेल्ट के अंदर गुजरात रहता है। इसी कोशिश को, इसी चीज़ को यूज़ करके ज़्यादा ड्रग्स इंडिया के अंदर पहुंचाने के लिए कोस्टल रूट को ये लोग यूज़ करते हैं। इस कोस्टल रूट के अलावा जो कंटेनर्स यूज़ करने का जो इनका जो तरीका है और ड्रग माफिया का जो तरीका है, उसके अंदर गुजरात के अलावा अलग अलग दूसरे पोर्ट्स का भी कंटेनर और कंटेनर टर्मिनल्स को इन्होंने यूज़ किया। इस कंटेनर टर्मिनल के अंदर से आया हुआ ड्रग्स का भी प्रोसेसिंग करने वाला प्लान को गुजरात एटीएस का टीम ने पकड़ा था, और उसके वहां से भी हमने ड्रग्स और एक्यूज का सीशर किया हुआ। गुजरात एटीएस के चीफ जो कह रहे हैं, जिन ऑपरेशंस के बारे में बता रहे हैं, वो मोदी सरकार की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नतीजा है। जब मैंने तहकीकात की, जो फिगर्स सामने आई वो उसकी गवाही देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 2006 से 2013 के बीच ड्रग तस्करी के 1257 केस दर्ज हुए थे, जबकि पिछले 8 साल में ड्रग ट्रैफिकिंग के 3172 केस दर्ज किए गए हैं, कांग्रेस सरकार से 150% से भी ज्यादा। इस दौरान करीब 3.5 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जो कांग्रेस सरकार के दौरान पकड़ी गई खेप से 2 गुने से भी ज्यादा है। जो डेटा मेरे पास आया है उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार के वक्त 2006 से 2013 के बीच 768 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे, जबकि पिछले 8 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स पकड़ी जा चुकी हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी पता चला कि मोदी सरकार ने आजादी के 75वें साल में 1 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट करने का टारगेट रखा है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़ी गई 82,000 किलोग्राम से भी ज्यादा ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। चंडीगढ़ में होम मिनिस्टर अमित शाह ने 800 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 31,000 किलो ड्रग्स नष्ट किया। इस प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा था कि ड्रग्स के जरिए आतंकवाद और दूसरी देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग होती है, युवा पीढ़ी को नुकसान होता है, इसीलिए सरकार ड्रग्स को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र
कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है। ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है वो डर्टी मनी अंततो गत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती है, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारी देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण। मैं अमित शाह की तारीफ करूंगा कि उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया, 150% से ज्यादा केस दर्ज किए, 3.5 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी। लेकिन ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरे से देश को समाज को बचाने का काम है। ये ड्रग्स कितनी खतरनाक होती हैं ये आपको सिर्फ उन परिवार वालों से मिलकर पता चलेगा जिनका कोई अपना ड्रग्स के नशे के जाल में फंस जाता है। मैंने कई परिवारों को ड्रग्स की वजह से बर्बाद होते देखा है। कौन नहीं जानता कि हंसते खेलते पंजाब को उड़ता पंजाब किसने बनाया? स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल्स में, पूरे देश में ड्रग्स का जाल किसने बिछाया? बड़े बड़े शहरों में, रेव पार्टियों में जब अच्छे अच्छे परिवारों के घरों के लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे बच्चों पर यह खतरा कितना बड़ा है। पिछले दिनों जब इस बात की चर्चा हुई कि कांग्रेस के शासन के दौरान जो ड्रग्स पकड़ी गई उससे 2 गुने से ज्यादा मोदी सरकार के शासन में पकड़ी गई, तो फिर इस पर सियासत भी हुई। राहुल गांधी ने आज ही सवाल उठाया, सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में क्यों पकड़ी गई? इसके बाद पूरी कांग्रेस सवाल पूछने लगी कि गुजरात में ड्रग्स की सप्लाई क्यों हो रही है, बार बार एक ही पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स क्यों पकड़े जा रहे हैं? देश के युवा धन को बर्बाद करने की कोई साजिश और कहीं ना कहीं सरकार की लिफाफोपी, कहीं ना कहीं बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो कोई एकाध हादसा हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। इतना सारा ड्रग्स वहां से क्यों मिला? हमारे वहां बहुत कड़ा कानून है NDPS का, नारकोटिक्स ड्रग्स का। अगर बड़े मगरमच्छ इसके मूल को पहली बार पकड़ लेते तो दोबारा कोई हिम्मत नहीं करता लाने की। सारी एजेंसीज है, क्या है ये सेंट्रल एजेंसीज का काम विरोधी दल के नेताओं को परेशान करना, जो जनता की आवाज़ उठाता है उनको डराने, धमकाने, बुलाने, समन्स भेजना, जेल डालने का काम नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज का काम है कि देश के लिए जो खतरा है भविष्य के लिए, ऐसे ड्रग्स के लिए सेंट्रल एजेंसीज को काम करना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं कि अगर मोदी जी पाक साफ है, अगर इसमें कुछ लिफाफोपी नहीं है, अगर भाजपा का या उनके मित्रों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ एक ऐसा SIT बने जो सुप्रीम कोर्ट की निगेबानी में काम करे, जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कांग्रेस के नेताओं ने आज जो पूछा उस सवाल तो पुराने हैं, बस एक बात नहीं है, अचानक ड्रग्स की बाढ़ जैसी क्यों आ गई है? पिछले 10 महीनों में करीब 4000 किलो ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से क्यों पकड़ी गई? अचानक इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई क्यों होने लगी? तो यह सवाल भी निर्णय कपूर ने गुजरात ATS के चीफ से पूछा। दीपन भद्रन ने उसकी वजह डिटेल में समझाई और यह समझने वाली बात है। दीपन भद्रन ने बताया कि असल में भारत ड्रग्स स्मगलिंग के 2 बड़े हब्स के बीच में पड़ता है। पश्चिम की तरफ से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इन देशों को इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग का गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। वहीं भारत के पूर्व में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस जैसे देश हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग तस्करी का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। यानी भारत के पूर्व में भी ड्रग्स स्मगलिंग का बड़ा इलाका है और पश्चिम में भी। दीपेन भद्रन ने बताया कि इस साल अफगानिस्तान और ईरान में अफीम की खेती बहुत ज्यादा हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद ड्रग्स की तस्करी और बढ़ गई है, इसीलिए हमारे देश में भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं। 2020 और 21 के अंदर ड्रग्स का जो कल्टीवेशन और ड्रग्स का जो बम्बर प्रोडक्शन जो हुआ था, और उसके बाद 2021 में जब
अफगानिस्तान का रजीम का जो चेंज हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने बड़ी मात्रा में ड्रग्स को अफगानिस्तान से बाहर पुश करने का ड्रग माफिया का कोशिश रह चुका है। इस कोशिश के अंदर अलग अलग तरीका इन्होंने यूज़ किया है, जो इसके अंदर पोर्ट्स को यूज़ करना या फिशिंग बोट्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाला जो दरियाई सीमा में और दरियाई एरिया के अंदर फिशिंग के लिए जाते हैं, इस बोट्स को यूज़ करके स्मगल करने का इनका कोशिश रह चुका है। ये दोनों कोशिशों के अंदर अभी तक का जितने भी हमारा केसेस है, उस केसेस के ऊपर से ये ड्रग माफिया का और इंटरनेशनल ड्रग माफिया का ये षड्यंत्र को नाकामयाब रहने में हमारा ये सफलता रहा है। और इस कोशिश के अलावा पूरा नेटवर्क के अंदर मूल सूदी जो इंडिया के अंदर रिसीव करने वाला जो लोग है, जो आगे का जो स्टेट्स के अंदर है, जिनके तक ये ड्रग्स पहुंचाने का इनका कोशिश था और षड्यंत्र था, ये कोशिशों को हमने नाकामयाब रखा और इस ड्रग्स पहुंचाने वाला लोग और रिसीव करने वाला लोग तक हमने पकड़ के वो पूरा ड्रग नेटवर्क को हमने तोड़ा है। अब मुंद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग की खेप क्यों पकड़ी गई, इसकी टेक्निकल वजह तो ATS के DIG ने बता दी। राहुल गांधी जो सियासी इल्जाम लगाए, उसका जवाब बीजेपी ने भी सियासी अंदाज में दिया। संबित पात्रा ने याद दिलाया कि भारत पर समुद्र के रास्ते सबसे बड़ा आतंकी हमला कांग्रेस के राज में हुआ था और तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, जो आज ड्रग्स का सवाल उठा रहे हैं। वो जमाना अलग था आपका राहुल जी, जिस समय ड्रग्स पकड़े नहीं जाते थे। वो जमाना अलग था राहुल जी, जिस समय भ्रष्टाचारी पकड़े नहीं जाते थे। जो ड्रग पेडलर थे, जो माफिया थे, वो स्कॉट फ्री रहते थे, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता था, कहीं ना कहीं साठगांठ होती थी। आज अगर इतने मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की एजेंसियां ड्रग पकड़ रही है। इसके पीछे इंटेलिजेंस लगता है, इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क मेहनत लगता है, जिसका नतीजा होता है कि आज जो लोग ड्रग की तस्करी कर रहे हैं, जो लोग ड्रग के माध्यम से जनता के जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उन्हें बख्श नहीं रही है। बहुताय मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं। वो राहुल गांधी ड्रग्स, तस्करी, इन सब के विषयों में क्या समझ पाएंगे, जो राहुल गांधी जब 26/11 जैसे भयावह कांड समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आके हिंदुस्तान में उसका अंजाम दे रहे थे, तो राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। मुझे लगता है ड्रग्स का मामला कोई सियासत का मामला नहीं होना चाहिए। ये मसला ऐसा है जिसके खिलाफ सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। ड्रग्स देश के नौजवानों को नशे का शिकार बनाते हैं, देश को खोखला करने का काम करते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नेताओं को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सियासत से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। जब सुरक्षा एजेंसियां ड्रग्स स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, हमारे जवान जान पर खेर कर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर रहे हैं, जब बड़ी मात्रा में ड्रग को पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स स्मगलर्स हमारी एजेंसियों की नजर से बच नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, ड्रग की तस्करी के सारे फॉर्मूले नाकाम हो रहे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ड्रग्स पकड़े जाने को स्मगलर के साथ, तस्करों के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगा रहे हैं। इसे सुनकर हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड के एक्शन की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब आपको बताता हूं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ED के एक्शन के बारे में, जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा रही। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ED के घेरे में आ गए। पत्रा चौल घोटाले के केस में संजय राउत अगले 3 दिन तक ED के सवालों के जवाब देंगे। अदालत ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ED के कस्टडी में भेज दिया है। ED ने कोर्ट में साफ साफ बताया कि पत्रा चौल घोटाले में प्रवीण राउत तो सिर्फ मोहरा है, इस मामले में असली बेनिफिशियरी संजय राउत ही है। प्रवीण राउत के खाते में 112 करोड़ रुपए सीधे सीधे पहुंचे हैं, इसमें से संजय राउत के पास कितना पैसा गया, इसकी पूरी ट्रेल पता कर दी है। ED ने दावा किया कि संजय राउत के खिलाफ जो सबूत हैं वो पुख्ता हैं, लेकिन संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे के सपोर्टर संजय राउत की गिरफ्तारी को साजिश बताने लगे। आज जब संजय राउत की गिरफ्तारी की खबर आई, तो उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स ने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किया। तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए ED के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। इसी दौरान उद्धव ठाकरे भी अरविंद सावंत के साथ संजय राउत के घर पहुंच गए।
उद्धव ठाकरे भंडूप में संजय राउत के घर में उनकी मां और उनके परिवार के दूसरे मेंबर से मिले। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत पर उन्हें गर्व है, संजय राउत ही असली शिवसैनिक हैं, वो सरकार के प्रेशर के आगे झुके नहीं। संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो, अब वो मजा ले रहे हैं, लेने दो। लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करें। मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीकों से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहां रहा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान का जिक्र करता हूं। कल नड्डा ने कहा था कि अब ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बीजेपी को टक्कर दे सके। आज उद्धव ने कहा कि बीजेपी को याद रखना चाहिए, वक्त सबका बदलता है, बीजेपी आज उनके साथ जो कर रही है वही उसके साथ भी होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि उनके हमले का बीजेपी के नेता जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसने रिएक्ट नहीं किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ इतना कहा, अगर कोई जांच एजेंसी किसी के खिलाफ एक्शन लेती है तो उसके पीछे ठोस सबूत होते हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं कहना। कोई भी जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है। अब कार्रवाई हो गई है, अब आगे की कार्रवाई कोर्ट तय करेगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। जहां तक जेपी नड्डा जी के बयान की बात है, उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी अब वो रही नहीं, अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। बेवजह उनकी बातों को लेकर गलत फहमियां ना फैलाएं। लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम तयार करू नका। लेकिन संजय राव की गिरफ्तारी पर एकनाथ शिंदे ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया, लेकिन करारा कमेंट किया। कल रात जब संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट किया था, उस वक्त एकनाथ शिंदे औरंगाबाद में एक प्रोग्राम में थे। वहां लाउडस्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आई तो एकनाथ शिंदे ने लाउडस्पीकर के बहाने संजय राउत पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह बजने वाला लाउडस्पीकर अब बंद हो गया, तो लाउडस्पीकर अंदर गया। अरे आप तो काय अरे आता येणारच नाही, तो 8 वाजताचा भोंगा बंद झाला। संजय राउत की गिरफ्तारी का मामला देश के पार्लियामेंट में भी उठा। राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे के साथ साथ संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोधी दलों ने नारेबाजी की। सदन के बाहर उद्धव कैंप की शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्लेकार्ड लहराए और बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष झुकेगा नहीं। किस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष का गला घोटने को, मुंह बंद करने के लिए, आंख बंद करने के लिए कार्रवाई चल रही है। और बगैर तथ्य, बगैर सत्य के, जिस तरीके से एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर संजय राउत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनको अरेस्ट किया है रातों रात, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या सदन के अंदर भी हालांकि प्लेकार्ड तो बिल्कुल उन्होंने तो हमारे मुंह पे ताला लगाया हुआ है, हम कुछ भी करें हमें सस्पेंड कर रहे हैं। पर आज अगर देश की आवाज उठाना, देश की जनता की आवाज उठाना, प्राइस राइज का मुद्दा हो, सेंट्रल एजेंसीज का मुद्दा हो, अगर सदन में नहीं रखेंगे तो कहां पे रखेंगे। तो आप कितना भी हमारा आवाज दबाने की कोशिश करें, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने इस एलिगेशन का जवाब दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पहले की सरकारों ने सेंट्रल एजेंसी के काम में दखलंदाजी की होगी, बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होता। पीयूष गोयल ने कहा कि जो लोग डर रहे हैं उनके मन में कुछ खोट होगा। मुझे लगता है कि उनके मन में कुछ खोट होगा, उनके मन में कुछ चिंता होगी कि उनका कुछ पर्दाफाश होने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार दखल अंदाज करे। पर देश की जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था संभालने वाले ही एजेंसीज करती हैं,
सरकार को उसमें दखल अंदाज नहीं देना करना चाहिए। कानून की एजेंसीज अब तक काम कर रही है, शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है, जो उनका काम है द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उद्धव ठाकरे इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए विरोधियों को परेशान कर रही है, संजय राउत को फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं इस केस को समझने के लिए। संजय राउत को जिस केस में गिरफ्तार किया गया है वो नया नहीं है। ईडी का दावा है कि घोटाला 2008 से शुरू हुआ। असल में मुंबई के गोरेगांव में अंग्रेजों के जमाने की एक बस्ती थी जिसे पतरा चौल कहा जाता था। इस बस्ती में बड़े बड़े कमरे थे, सबकी छत टीन के पतरे की थी, इसीलिए से पतरा चौल कहने लगे। इस चौल में 672 परिवार रहते थे। यह जमीन सरकारी थी, इसलिए 2008 में इस चौल को तोड़कर इसे रीडेवलप करने की योजना बनी। यहीं से घोटाले की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया। करार के मुताबिक इस कंपनी को चौल में रहने वाले 672 परिवारों को फ्लैट बनाकर देने थे। जब तक फ्लैट नहीं बन जाते तब तक चौल में रहने वालों को किराया भी इसी कंपनी को अदा करना था। इसके अलावा 3000 फ्लैट बनाकर MHADA को देने थे। इसके बाद जो जमीन बचती उस जमीन को डेवलप करके गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी दूसरों को बेच सकती थी। इस कंपनी के डायरेक्टर थे प्रवीण राउत। प्रवीण राउत की कंपनी ने न तो चौल में रहने वालों को फ्लैट बनाकर दिए, न माडा को फ्लैट दिए, उल्टा यह पूरी जमीन 9 अलग अलग बिल्डर्स को बेच दी। प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत करीबी हैं। ईडी का दावा है कि प्रवीण राउत के खाते में 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। इनमें से काफी पैसा संजय राउत के पास पहुंचा। संजय राउत की वाइफ वर्षा के खाते में प्रवीण राउत की वाइफ के खाते से 83 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, जिससे उन्होंने फ्लैट खरीदा। इसके अलावा कई जमीनों की खरीद फरोख्त हुई। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में प्रवीण राउत सिर्फ चेहरा है, असली खेल संजय राउत ने किया। ईडी इस मामले में सबूत कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन यह बात साफ दिखाई दे रही है कि जिन लोगों के घर तोड़कर उन्हें फ्लैट देने का वादा किया गया था वो आज भी सड़क पर हैं। उन्हें न घर मिला न मुआवजा मिला, और जिस जमीन पर उनके घर थे वो बिल्डर्स के कब्जे में चली गई। आज हमारी संवाददाता नम्रता दुबे पतरा चौल में गई, वह उन लोगों से मिली जो आज भी छत का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2008 से हमारे घरों का प्रकल्प ये पूरा होना था, वो पूरा नहीं हुआ है, ये फैक्ट है। हमें घर नहीं मिले हैं, आज भी हजारों लोग घर के बाहर हैं, उन्हें रहने के लिए घर नहीं है, भाड़ा नहीं है, उनके गहने जो है वो गिरवी पड़े हुए हैं, कर्जे में डूब गए हैं, लोग कुछ लोग सुसाइड करने के मोड़ पे है। ऐसे में इन लोगों को राजनीति जो है राजनीति सामने आ रही है, तो हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति घोटाले से मैडम हम किसी को कुछ लेन देन नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा घर हमारा भाड़ा जल्दी से जल्दी मिले, ये हमारी ख्वाहिश है बस। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई लोगों की कि उनके सामने दूसरा कोई पर्याय नहीं रहा, इसकी वजह से दो जन ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली, लेकिन इस तरफ शासन का या प्रशासन किसी का ध्यान नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आजकल एग्जाम्स में चीटिंग के कैसे नए नए हाईटेक तरीके अपनाए जाते हैं। यूपी में एसटीएफ ने एग्जाम में नकल करने वाले गैंग के 22 मेंबर्स को पकड़ा। असल में कल यूपी में लेखपाल की भर्ती की परीक्षा थी, उसी वक्त यह अफवाह उड़ी कि लेखपाल की पोस्ट के लिए हुए एग्जाम का पेपर लीक हो गया। जैसे यह बात फैली एजेंसीज एक्टिव हो गई और पता यह लगा कि पेपर लीक नहीं हुआ। एग्जाम के दौरान एक गैंग पूरे यूपी में एक्टिव था जिसने सॉल्वर बैठाए थे, और पुलिस ने कुछ ही घंटों में सॉल्वर गैंग के 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड विजय पटेल और नरेंद्र पटेल हैं, दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पता चला कि विजय पटेल ने लेखपाल की परीक्षा पास कराने के लिए 7 लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए थे। इसके साथ ही उन लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए गए जो असली कैंडिडेट की जगह डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम देने जाते थे। लखनऊ में भी कुछ लोग
ऐसे अरेस्ट हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करवा रहे थे। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 में मेरे कुल 7 कैंडिडेट थे, जिन्हें पास कराने के लिए मैंने उन्हें ब्लूटूथ डिवाइस ईयरबड उपकरण उपलब्ध कराए थे। 7 कैंडिडेट में से महज 3 कैंडिडेट परीक्षा केंद्र डिवाइस के साथ जा पाए थे, बाकी 4 कैंडिडेट डर के कारण चेकिंग अधिक होने के कारण परीक्षा केंद्र के अंदर डिवाइस नहीं ले जा सके। ये आरोपी बता रहा है कि उसने 7 लोगों को डिवाइस के साथ एग्जाम सेंटर के अंदर भेजने की कोशिश की, लेकिन 3 ही जा पाए। अब सवाल है, आखिर वो डिवाइस क्या है जिसका ये जिक्र कर रहे थे, वो डिवाइस कैसी होती जिससे नकल कराते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। ये लखनऊ में एक एग्जामिनेशन सेंटर की तस्वीर है। ये जो टोपी पहने शख्स बैठा है उस पर एसटीएफ को नकल करने का शक हुआ, तो एसटीएफ के जवान उसके पास गए, चेकिंग की। चूंकि इस प्रोसेस में दूसरे कैंडिडेट्स डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए इसे बाहर ले आया गया। पुलिस ने जब सख्ती की तो इस लड़के ने अपनी पैंट की जेब से, एक सीक्रेट पॉकेट से, एक छोटे सा डिवाइस निकाला। ये डिवाइस एक तरह का फोन है जो ब्लूटूथ से जुड़ा होता है। इसी डिवाइस के जरिए इस लड़के को बाहर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे जिससे वो पेपर सॉल्व कर रहा था। लेकिन ये डिवाइस अपने आप में काफी नहीं था, इसलिए एसटीएफ के जवानों ने उससे पूछा कि माइक कहाँ है। तब जाकर उसने अपने कान में लगे छोटे छोटे डिवाइस निकाले। इन्हीं मिनी डिवाइसेस पर उसे बाहर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। माइक कहाँ गिरा? असल में जो फोन इस लड़के ने छुपा रखा था वो मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आता, और कान में जो ब्लूटूथ डिवाइस लगा था वो इतना छोटा था कि आसानी से दिखाई भी नहीं देता। जो सॉल्वर्स हैं वो जनरली बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके लाया जाता है, खास करके कोचिंग्स वगैरह में जो बहुत ही ब्रिलियंट लड़के हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके रखा जाता है, और स्पेशली जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें से कुछ को लालच देकर इस काम के लिए तैयार कर लिया जाता है। इसी तरह की धोखाधड़ी करके दूसरे कैंडिडेट्स की जगह एग्जाम दे रहे 7 मुन्ना भाइयों को कानपुर में भी अरेस्ट किया गया। ये जो इस वक्त आपको आरोपी दिखाई दे रहा है उसका नाम लवकुश प्रजापति है। लवकुश प्रजापति ने अपनी जगह अभिषेक राय नाम के शख्स को एग्जाम देने के लिए भेज दिया। पुलिस ने लवकुश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है और अभिषेक राय की तलाश की जा रही है। एक अनजिप्ड टेक्नोलॉजी है जो रावतपुर में पड़ती है, उसी ने एक तहरीर दी थी जिसमें एक लवकुश प्रजापति के स्थान पर एक अभिषेक राय परीक्षा दे रहा था। उस संदर्भ में लवकुश प्रजापति जो प्रयागराज का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। साथ ही साथ जो साल्वर है अभिषेक राय उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीम लगी है। अभी तक जो प्रकाश में आया है कि ये अभिषेक राय जो है ये लोगों से पैसा लेके और किसी अन्य परीक्षार्थी के स्थान पर अपना स्वयं परीक्षा देता है। पूरी विवेचना चल रही है, शीघ्र ही सुगिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सॉल्वर गैंग 10-20 हजार का लालच देकर पढ़ने में तेज बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। ये लोग कोचिंग सेंटर्स पर नजर रखते हैं। जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन गरीब होते हैं, उन्हें लालच देकर किसी और की जगह परीक्षा देने के लिए तैयार किया जाता है। सॉल्वर गैंग के साथ जो लोग नकल करते हुए पकड़े गए हैं उनमें आधे से ज्यादा ऐसे ही गरीब बच्चे हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इस तरह के गैंग के चक्कर में कभी मत पड़िए, क्योंकि थोड़े से पैसे के लालच में आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। यूपी के एग्जाम में गड़बड़ी करने वाले पकड़े गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सरकार ने ही गड़बड़ी की। मंत्री की मिलीभगत से टीचर भर्ती में घोटाला हो गया जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। जो लोग एग्जाम में पास हुए उन्हें फेल कर दिया गया, जो फेल हो गए उन्हें पास कर दिया गया। पार्थ चटर्जी ने यही किया।
आज मैं आपको उन लोगों की बात सुनवाता हूं जिनका हक मारकर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। ये लोग कोलकाता की मेयो रोड पर गांधी मूर्ति के सामने 505 दिन से धरने पर बैठे। इनमें से कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके नाम स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम की मेरिट लिस्ट में आ गए थे, लेकिन करप्शन की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली। मेरिट लिस्ट में इन लोगों का नाम काट दिया गया और उन लोगों के नाम मेरिट लिस्ट में डाल दिए गए जो एग्जाम में फेल हो गए थे। जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई वो 1.5 साल से धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ आकर इन लोगों को नौकरी का भरोसा दिया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। जस्मिन, आपका ही मेरिट लिस्ट में नाम आया था? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? देखिए, हम एक्चुअली मैं तो मुझे पता चला कि 8-9 बार मतलब ये हुआ, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब काउंसलिंग हुआ हा? उसके बाद हमको ये नहीं पता चला कि लास्ट कितने देर तक, मतलब लास्ट जो रैंक है उनको जॉब मिला है, कुछ मतलब अच्छे से नहीं मिला। फिर हमको पता चला कि शायद मेरे रैंक में जो है उतना आया नहीं। बाद में हमको पता चला कि मेरे रैंक में बाद में जंप करके किसी और जगह जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ प्रूफ हो रहा है, तो अभी होप करते हैं कि सबको ले लिया जाए। यही हम लोग फॉर्म फिलअप के डेट के बाद भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किए, आप समझ ही सकते हो कि क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रष्टाचार हुआ था। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो कि पैसे देके भी आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम मेरिट लिस्ट होने के बावजूद आज यहाँ पर बैठे हुए 505 दिनों से। हमारी जो पहली दफा की जो आंदोलन शुरू हुई थी वो थी 2019 साल में प्रेस क्लब के सामने, वो थी हमारी पहली दफा की। वहां पर स्वयं चीफ मिनिस्टर आए थे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, और वो हमें ये भी आश्वासन दी थी ममता बनर्जी ने कि हम लोगों को जितनी सारी हम मेरिट लिस्टेड है हम सब लोगों को वन टाइम लॉ चेंज कर भी करके हम लोग सब लोगों को रिक्रूट कर देंगे। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बावजूद आज हम यहीं पर बैठे हुए हैं। आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया? हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम लोग तो पास करे हुए हैं, पर जो लोग पास नहीं कर रहे हैं तो उसको अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। बहुत सारी दुर्नीति हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें ये नौकरी दे और हम स्कूल जाएं। पार्थ चटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका काम था इन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का इंतजाम करना और ये तय करना कि फेयर और फ्री होगा। लेकिन उन्होंने पैसा बनाया ये अलग बात है, लेकिन इन स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ये बहुत बड़ा पाप है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।